आखिर गौतम साहब आप यहाँ क्यों आए हैं? वो मैं तो समाज एकता के वजह से आता हूँ यहाँ पर। बाबा साहब का जो है मिशन पूरा होवे कैसे, लेकिन यहाँ के देखता हूँ तो लोगों का भी हमारी यहाँ जागृति नहीं है, धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन हमें हताश होने की इसमें ज़रूरत नहीं है। एक दिन जरूर बोध में ये भारत बनना जरूर है। इसी वजह से समाज का भी थोड़ा सा जो है एक्टिविटी जो है थोड़ी कम चल रही है, और मीडिया अब हमारा बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। लोकल मीडिया अपने होते हैं हर जगह, मुझे आप लोग सब जगह नज़र आते हैं, देश विदेश में कहीं भी अब तो सब जगह हमारी धूल मच रही है। बाबा साहब का तो नाम कोई मिटा ही नहीं सकता, जब तक संसार रहेगा तब तक बाबा साहब का नाम भी रहेगा हमेशा। लेकिन गौतम साहब, वो आप कह रहे हैं बाबा साहब का नाम कोई मिटा नहीं सकता, लेकिन जो भारत की जो एक राजनीति है, भारत का जो एक पहलू जो इस समय सरकार चल रही है, वो संविधान को मिटाना चाह रहे हैं। जिसका संविधान मिट गया वो तो अपना मिट गया। इस संविधान मिटाने के लिए तो उनकी बहुत कोशिश है, लेकिन जो है हमारे लोग अभी सोए हुए हैं। जिस दिन वो उनके बच्चे सड़क पर आ जाएंगे उस दिन वो सोचेंगे इसके बारे में, जब हाथ से निकल जाएगा, लेकिन अभी वो सोच रहे नहीं है, सड़क पर नहीं आने चाह रहे। पता नहीं क्या उनका रीजन है क्या नहीं। घर में जाते हैं तो वो कहते हैं हम चलेंगे और बाबा साहब की बात करते हैं, लेकिन ये यहाँ पर यहाँ देखते हैं तो वहाँ आते नहीं हैं, क्योंकि वहाँ पर ही अपने चौपाल पर बैठ के बातचीत करते रहते हैं सब।